नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 25 जनवरी है और आज सैटरडे का दिन रहेगा। इसी के साथ बात करेंगे आप लोगों के लिए राशियों की, जानेंगे आज का दिन कैसा है और साथ ही में जानेंगे कुछ खास उपाय। याद दिला दूँ आपको एस्ट्रो तक से जुड़ने के लिए अब आप तक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए गूगल स्टोर पर जाएँ। शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। कार्ड निकल रहा है द स्टार एंड नाइन ऑफ वांड्स। तो आज सरकारी काम आपके जो रुके हुए थे पूरे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पे मेष राशि वालों के लिए आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी। इसके अलावा डिलेस तो खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन आपके सीनियर से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर हो सकता है। उनसे कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मे बी प्रमोशन जो डिलेड था काफ़ी समय से, वो आपको मिल सकता है। इस अवधि के अंदर आपके रिलेशनशिप्स भी बेहतर होंगे। एक दूसरे से जो उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो पूरे हो सकते हैं। आज के दिन में ये करना है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आज अच्छा रहेगा। वृषभ राशि द लवर्स एंड द टेम्परेंस कार्ड निकल रहा है। कन्फ्यूजन्स खत्म होंगी, लव लाइफ आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे के प्रति जो एक तालमेल था वो बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर वैसे भी ढैया अब खत्म हुई है, तो जो पेंडिंग वर्क्स थे वो आपके पूरे होंगे। कर्जा अगर चढ़ा हुआ था तो उसे उतारने के बारे में सोच सकते हैं। आज के दिन में पार्टनरशिप में कोई भी काम करना अच्छा रहेगा या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर लेना भी अच्छा रहेगा। मदर की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। आज उपाय आपको ये करना है, रुद्राष्टक का पाठ करेंगे संध्या काल के समय। मिथुन राशि किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड टू ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। पार्टनरशिप आपके लिए पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, हर तरह से आज बेहतर रह सकती है। आप लोगों को किसी चीज़ का इनिशिएटिव करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। अगर वीज़ा प्रोसेसिंग कहीं किसी तरह की रुकावट आ रही थी तो वो क्लियर हो सकती है। आप लोग नई काम को करने के बारे में सोचेंगे, चाहे आप खुद से कोई नया व्यवसाय पूरा अलग तरह से सेटअप करने के बारे में सोचें, किसी के साथ जुड़ाव करके, हर तरह से आज बेहतर स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अगर पारिवारिक मामले की बात करी जाए, अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं पर आपको सामने वाले से उम्मीदें करने के बजाय आपको खुद से इनिशिएटिव्स करने पड़ेंगे चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए। यात्राएं दिखाई दे रही हैं और आपके लिए सरकारी पक्ष से भी चीज़ों में डिले होता हुआ नजर आ रहा है। उपाय की बात करी जाए तो आज सूर्यदेव की उपासना करनी है। इसके अलावा आज आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कैंसरियंस कर्क राशि सेवन ऑफ वांड्स एंड थ्री ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है हर जगह से। कुछ ऐसे काम हैं जो कि काफ़ी समय से जिसमें रुकावटें आ रही थी, बाहर लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, अभी उस समय में आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं दिखाएं। नई नौकरी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस या एंग्जाइटी या कहीं ना कहीं पर आप लोगों को एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। तो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कोई डिसीजन ले लेना, ऑल ऑफ अ सडन आप किसी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएं, तो ये सडन रिएक्शंस को आज के दिन में अवॉइड कीजिएगा। कर्क राशि वाले लोग आज थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखेंगे और यात्राओं को, लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड करेंगे। उपाय की बात करें तो आज शनि का छाया दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए कंप्लीशन नज़र आ रहा है। रुके हुए काम पूरे होंगे, पेंडिंग वर्क्स खत्म होंगे और आज एक तरह की एक्टिवनेस आपके अंदर रहेगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक प्रयत्नशील नज़र आएंगे। उपाय की बात करी जाए तो आप लोग इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है शनि के लिए दान देंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। और वैसे भी इस समय पर कहीं ना कहीं पे जो गोचर की स्थिति चल रही है, शनि और सूर्य एक ही राशि में है, मकर राशि में है, तो शनि और सूर्य की जो युति है इस अवधि में आपके पिता के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा सोच समझ कर डील आउट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव इस समय पर दिखाना अच्छा नहीं है। आज के दिन में शनि का दान करना अच्छा रहेगा या किसी लेबर को आप लोग लोहे का सामान आज दान कर सकते हैं। कन्या राशि किंग ऑफ सोल्स एंड फोर ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। आज आपको कंफ्यूजन नहीं लेकर के आनी है, किसी डिलेमा में नहीं पड़ना है। ज़रूरी है अगर किसी तरह का कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन हो भी रही है तो आप कंसर्न लोगों से राय मशवरा ज़रूर लें, अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे राय मशवरा ज़रूर करें। यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप बहुत ड्रैग्ड आउट होकर डिसीजन नहीं करना है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और ख़ासतौर पर अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है तो उसमें आपकी जीत जो है वो दिखाई दे रही है। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए आज के दिन में उपाय ये रहेगा कि सुबह उठकर के सूर्य देव को जल देंगे और साथ ही साथ में आज भगवान विष्णु को लाल रंग के पुष्प अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रंस की। टेन ऑफ पेंटाकल्स एंड थ्री ऑफ वांड्स कार्ड निकल रहा है। लिब्रंस के लिए आज के दिन में एक स्थिरता नज़र आ रही है। आप लोग नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। आज मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग भी करेंगे। इसके अलावा पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे थे तो उसमें
मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर आप फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उठ सकती है, जिसकी वजह से आज खर्चे या बिना वजह के वाद विवाद उठ सकते हैं। तो अवॉइड कीजिएगा इस तरह के सिचुएशंस को। आज सरकारी पक्ष से लाभ ज़रूर होगा, या अगर कोई मामला आपके आपके डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुका हुआ था वो काम आपका पूरा हो सकता है। लिब्रंस के लिए उपाय रहेगा आज शनि चालीसा का पाठ संध्या काल के समय कीजिएगा। स्कॉर्पियोज की बात करते हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में आपके जो उच्च अधिकारी हैं या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, आपके काम की सराहना ज़रूर करेंगे। स्कॉर्पियो उसको आज ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए साढ़े साती जो है वो उतर चुकी है, तो अब आपके रीगेन्स का समय है, ऐसे कामों का समय है जो कि आपके साढ़े साती के दौरान कुछ काम आपके अधूरे रह गए थे या जो चीज़ें आपसे छिन गई थी वो दोबारा से रीस्टार्ट हो सकती हैं। आप लोगों को ऑल ऑफ अ सडन गेंस हो सकते हैं। इस अवधि में अपने रिश्तों को एक तरह से बेटर करने का प्रयास कीजिए, रिश्तों में जो तकरार है, रिश्तों में जो वाद विवाद है उन्हें खत्म कर सकते हैं। स्कॉर्पियोज के लिए उपाय रहेगा आज लेबर्स को आप लोग कंबल का दान ज़रूर कीजिएगा। धनु राशि किंग ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स कार्ड निकल रहा है। आपके लिए आज के दिन में स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ना, धार्मिक स्थान पर यात्रा करना बहुत अच्छा हो सकता है। धनु राशि वाले लोग अगर किसी तरह के चेंज की उम्मीद इस समय पर कर रहे थे तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उम्मीद लगा रहे हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपका लक जो है वो आपका साथ देगा, ज़रूरी है आप भी थोड़ा सा प्रयत्नशील हो जाइए। कहीं ना कहीं पर बात करी जाए, जो लोग जॉब में खासतौर पर प्रमोशन के लिए उम्मीदें लगा रहे थे उनके लिए अभी प्रमोशन थोड़े समय के लिए और डिलेड रहेंगे। अगर बात करें व्यवसाय की, तो आज लेन देन के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। लेन देन के मामले में कुछ न कुछ बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। पारिवारिक स्तर पर थोड़ा सा अपनी बोलचाल का ध्यान रखना ज़रूरी है धनु राशि वाले लोगों को। आप लोगों के लिए आज उपाय ये रहेगा, शनि स्त्रोत का पाठ कीजिएगा संध्या काल के समय, और साथ ही में तुलसी में दीपक जलाना आज अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर राशि, एस ऑफ वांड्स एंड द फूल कार्ड निकल रहा है। इस अवधि के अंदर क्योंकि शनि ने बहुत रिसेंटली आप ही की राशि में गोचर किया है, तो आपके लिए नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं। इस अवधि में यात्राएं आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और जिसकी वजह से आपको एक तरह से आप देखेंगे कि बेनिफिट्स आपको जरूर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखना आपके लिए आज ज़रूरी रहेगा। अगर कोशिश कीजिएगा, अगर खुद से ड्राइविंग कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, या किसी मशीनरी का प्रयोग करें थोड़ा सावधान रहेगा। कुंभ राशि, द एम्परर एंड थ्री ऑफ सॉल्ट्स कार्ड निकल रहा है, तो कन्फ्यूजन्स की वजह से आज कुछ काम अभी और रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सरकारी पक्ष से लाभ होगा, साथ ही में आज लेन देन के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहना है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन होगा तो उस पर किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। इसके अलावा बात करी जाए अगर आपकी स्टडीज़ की, तो आज बहुत ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है कुंभ राशि वाले लोगों को, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप के पार्ट में आप लोगों को कहीं ना कहीं पे किसी एक मोमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो उस चीज़ के लिए अगर प्री प्लान रहेंगे तो बेहतर रहेगा। उपाय की बात करी जाए तो कुंभ राशि वाले लोग आज के दिन में शनि चालीसा का पाठ करेंगे 3 बार। मीन राशि, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, एक फेवरेबल आउटकम आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक नेगेटिव सोच या नेगेटिव अप्रोच रखेंगे तो चीज़ों में रिजल्ट्स आपको नेगेटिव ही मिलेंगे। हालांकि जैसे मैंने कहा कि आपकी जो मेहनत है वो इस समय पर पे ऑफ कर सकती है, लेकिन ज़रूरी है आज के दिन में भी सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोच रखना। आपके आसपास के लोग हो सकता है आपकी बातों से आज ज़्यादा प्रभावित हों, जो लोग खासतौर पर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें कि मैनेजमेंट का काम हो, जिसमें कि जो लोग मार्केटिंग का काम हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, उनके लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है। संध्या काल के समय सुंदरकांड का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आज तक के साथ।